हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये ऑन डिमांड वीडियो है। हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाइए कि जब हमारे घर में लाइट को लगाने की बारी आती है, लाइटिंग के पैनल्स को लगाने की बारी आती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सर्कुलर शेप के एलईडी पैनल्स लगाएं या फिर स्क्वायर शेप के एलईडी पैनल लगाएं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इन दोनों ही शेप के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस जगह पे आप कौन सी शेप का यूज कर सकते हैं, किसके क्या प्लस और किसके क्या माइनस पॉइंट है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर शेप की लाइट पैनल के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को ना स्क्वायर शेप के जो लाइट पैनल्स हैं वो काफ़ी पसंद आते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि ये जो लाइट पैनल्स हैं इस तरीके की शेप के, ये बहुत ही स्लीक लुक में आपको लगते हैं और जो आपकी स्क्वायर शेप है ना, वो दिखने में आपको ना एक प्रोफेशनल लुक देती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर जो स्क्वायर शेप के ही पैनल्स का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों बहुत सारे घरों में भी आपने स्क्वायर शेप के पैनल्स को देखा होगा। उसका रीज़न है क्योंकि जब शेप को सिलेक्ट करने की बारी आती है तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने मैक्सिमम देखा है कि 70 से 80% केसेस में जब बंदे कंफ्यूज होते हैं तो वो कहते हैं कि छोड़ना, स्क्वायर शेप की ही लाइट लगा दे। तो इस तरीके का एक सिनेरियो जो है वो बनता है। फिर इसमें हम सेकेंड शेप के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सर्कुलर शेप। और सर्कुलर शेप की जो लाइट होती है बहुत ही वर्सेटाइल इसका लुक जो है वो लगता है और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसको मैनेज करना बहुत इजी है, इंस्टॉल करना भी जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है। रीज़न उसका क्या है कि जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जब एक लाइट जब इंस्टॉल करी तो उसकी जो आगे वाली लाइन है, उसकी आगे वाली जो लाइट की जो लाइन है वो जो है उसके अलाइनमेंट में रहनी चाहिए, उसके एकदम सामने रहनी चाहिए। सिर्फ इतनी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जो स्क्वायर शेप की लाइट होती है उसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि आपने जब लाइट को लगाया तो आपको ये तो ध्यान रखना है कि उसके जो आगे वाली जो लाइट है वो उसके एक ही अलाइनमेंट में होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ही क्योंकि उसके जो चारों जो एजेस होते हैं वो 90 डिग्री रहते हैं, तो उसमें आपको हल्का सा भी अगर वो टिल्ट हो गया, बेंड हो गया, तो वो जो चीज़ है ना, तो वो चीज़ें एकदम नज़रों में आती है। तो ये जो है इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपका जो स्क्वायर शेप की लाइट है उसमें आपको जो है बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस रखनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ लगाना पड़ता है, बजाय कि जो आपकी जो सर्कुलर शेप होती है उससे अगर हम कंपेयर करें तो। फिर दोस्तों जो सर्कुलर शेप के जो एलईडी पैनल्स होते हैं इसको अगर आप बाहर की साइड लगाते हैं ना, तो इनका जो शेप होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो है बहुत ही जल्दी नमी पकड़ लेते हैं और इनका सर्किट जो है वो खराब हो जाता है। फिर दोस्तों अगर हम रोशनी के बारे में बात करें ना, तो दोनों का अगर हम सेम वॉट की अगर पैनल है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो सर्कुलर हो, दोनों की जो इल्यूमिनेशन है यानी कि जो रोशनी है वो जो है वो सेम ही रहती है। वो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं कि सर्कुलर की रोशनी ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो स्क्वायर शेप होती है उसकी रोशनी ज़्यादा होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों की जो रोशनी होती है वो सेम ही रहती है। अब दोस्तों मेन क्वेश्चन निकल के आता है कि हमें कहाँ पर स्क्वायर शेप की लाइट का यूज़ करना है, कहाँ पर हमें सर्कुलर शेप की लाइट का यूज़ करना है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका प्रोफेशनल जो लुक है वो आपका स्क्वायर शेप की लाइट में आता है। तो जितने भी कॉमर्शियल एरियाज हो गए, ऑफिस हो गए या फिर जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए, तो वहाँ पर आप जो है अपनी स्क्वायर शेप की लाइट का यूज़ कर सकते हैं और घर के लिए जो है आप सर्कुलर शेप की लाइट का यूज़ कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है, लेकिन ऐसा एक कोई थंब रूल नहीं कि आपको इसी को ही फॉलो करते हुए चलना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मान लीजिए आपका जो रूम है ना, आपका रूम का मान लीजिए जो साइज़ है वो बिल्कुल एक इवन साइज़ है। जैसे कि मान लिया 10 बाई 20 का रूम है, उसमें कोई भी वॉल में रेंच नहीं है। तो अब ऐसा जो रूम का साइज़ है, भले ही वो ऑफिस का हो चाहे वो आपका घर का हो, तो वहाँ पर जो आप स्क्वायर शेप की लाइट का यूज़ कर सकते हैं। रीज़न उसका क्या है कि जब आप लाइट को फिक्स करेंगे तो उसका जो एक डिस्टेंस है वो जो है वो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो पूरा एक तरीके से रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप है। अब इसके अलावा जो सेकंड जो सिनेरियो बनता है, अगर आपका जो रूम है उसमें रेंच आ रहा है, उसका जो साइज़ है बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, तो वहाँ पर क्या है कि आप अगर स्क्वायर शेप की लाइट का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है कि जो वॉल से जो डिस्टेंस है वो जो है मतलब आई जो है वो बहुत ही जल्दी कैच कर लेती है कि हाँ रूम में रेंच है, क्योंकि जो उसकी 90 डिग्री होती है उससे कंपेयर होती है। मान लिया आपने लगाया एक जगह पे, जो है हमारी आइज़ ने देखा कि वॉल से जो लाइट की जो दूरी है वो इतनी है, और फिर जब वो उसके सिनेरियो में, क्योंकि आपके लिए ना चैलेंज ये बन जाएगा कि आप उस अलाइनमेंट को जो आपने लाइट की जो अलाइनमेंट बनाई उसको फॉलो करें या फिर जो वॉल का जो एक अनइवननेस जो बन रहा है, वॉल में जो रेंच आ रहा है उसको फॉलो करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है। तो अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो वहाँ पे आपको सर्कुलर शेप की लाइट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर शेप में ना एजेस नहीं होते, तो एजेस नहीं होते तो आइज़ को जो ना रेफरेंस नहीं मिल पाता कि वो किस एज को पकड़ के वॉल से जो है बीच की डिस्टेंस को जज करे, मतलब वो एक कंपेयर करके जज करे। तो तो ऐसे सिनेरियो में आपको सर्कुलर शेप की लाइट का यूज़ करना चाहिए, चाहे वो आपका कॉमर्शियल एरिया हो चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया हो। फिर अब बात करते हैं थर्ड चीज़ जिसके आधार पर आपको शेप को चूज़ करना है, वो है फॉल सीलिंग का डिज़ाइन। मान लीजिए अगर आपकी फॉल सीलिंग अगर मान लीजिए सर्कुलर शेप बन रही है, मान लीजिए आपने अंदर आपने एक ऐसा कोई डिज़ाइन बनाया कोवलाइट जो कि सर्कुलर शेप का है। अब सर्कुलर बनने की वजह से चारों साइड जो आपका जो स्पेस बचेगा वो एक अनइवन बचेगा, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा। तो वहाँ पर अगर आप स्क्वायर शेप यूज़ करते हैं तो वो जो है वो भी जो है फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर वही सेम आपकी आई जो है रेफरेंस पकड़ के डिस्टेंस को जज करेगी। तो उस केस में आप सर्कुलर शेप को यूज़ करिए। अगर मान लिया आपका जो सीलिंग का जो है शेप बन रहा है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप के डिज़ाइंस बन रहे हैं तो वहाँ पर जो है आप यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर शेप के एलईडी पैनल्स को। तो आई होप ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि किस सिनेरियो के लिए कौन सी शेप बेस्ट है और आपको किस तरीके से सेलेक्ट करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।